दोस्तों आप भी मोहम्मद सिराज को एक घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना शानदार है कि आज उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारतीय टीम की ओर से हर एक खिलाड़ी ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने अपने काबिले तारीफ प्रदर्शन से सबकी वाह वाही बटोरी है वो है मोहम्मद सिराज। उनके जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर तो भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा ही शानदार बयान दिया है। तो चलिए बताते हैं आपको उनके इस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर में से कौन बड़ा दिग्गज खिलाड़ी है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला में हर एक मुकाबले के हर एक दिन बड़ा ही जबरदस्त खेल देखने को मिलता है। बता दें अब तक 5 मुकाबलों की श्रृंखला में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसका पहला मुकाबला बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया। वहीं दूसरा मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने इतना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया जिसके सामने तो इंग्लैंड का हर एक खिलाड़ी उनके सामने घुटने टेकते नजर आया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी ने अपनी धुआंधार प्रदर्शन से इंग्लैंड की टीम को निस्तानाबूद कर दिया। पहले तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अंग्रेजी गेंदबाजों की जमकर पिटाई लगाई और वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 151 रनों की शानदार जीत के बाद अब इस श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। दोस्तों भले ही इस मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी केएल राहुल मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन उनके अलावा एक और ऐसे खिलाड़ी थे जिसने अपनी धुआंधार प्रदर्शन से विपक्षी टीम को अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से नेस्तानाबूद कर दिया। दोस्तों बता दें वो खिलाड़ी और कोई नहीं भारतीय टीम के युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज है, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में 8 विकेट झटके और इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। उनके इस शानदार प्रदर्शन को देखकर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनकी जमकर प्रशंसा की और उनके नाम के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने मुकाबले में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपना 100% योगदान दिया है। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम में एक चमत्कार की तरह आए हैं, भले ही उनकी शुरुआती कुछ साल शानदार न रहे हों, लेकिन पिछले कुछ सालों में मोहम्मद सिराज का स्वर्ण काल चल रहा है। इसमें वो हर एक मुकाबले में इतना जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, इसके सामने तो विपक्षी टीम के बल्लेबाज पानी पीते नजर आते हैं। अगर मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज भारतीय टीम के मौजूद हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम का गेंदबाजी कर्म विश्व की बाकी सभी टीमों से कहीं ज्यादा घातक होगा। वो उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद सिराज जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले एक साल से करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस प्रदर्शन को जारी रखते हुए भविष्य में भी ऐसा प्रदर्शन करके भारतीय टीम को हमेशा एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज जैसे घातक गेंदबाज को भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में खिला सकती है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।